हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके मोबाइल में पबजी लैग होता है तो आपको एक GFX टूल्स है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, आप उसे डाउनलोड करें, जिससे आपका लैग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत लैग होता है कभी, मतलब बंदे सामने आ गए तो लैग होने लग जाता है, या कभी फ्रेम ड्रॉप हो जाता है अचानक से, मतलब थोड़ा लैग होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में पूरा लैग होता है पबजी या अनप्लेबल रहता है गेम, तो वो तो एक अलग ही पॉइंट है। सो गाइस, थोड़ा लैग होता है तो मैं आपको ये GFX टूल्स यूज़ करने बोलूँगा, जिससे आपका लैग पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, जो मेरे पास डिवाइस है वो है रेडमी नोट 5 प्रो, जिसमें आपको बैलेंस ग्राफिक और मीडियम ग्राफिक पे ही ऑप्शन मिलता है पबजी गेम खेलने का। सो गाइस, इसको मैंने GFX टूल से इम्प्रूव करके HDR कर दिया और फ्रेम रेट को एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया है, जो कि ज़रा भी लैग नहीं देखने मिला मुझे, और बढ़िया चलता है यार। जैसे जिस तरह से मैं पहले खेलता था बेसिक ग्राफिक पे, तो मेरे को कभी कभी लैग देखने, फ्रेम ड्रॉप देखने मिल जाता था, तो अभी वो जो मेरा प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। इसीलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ और ये एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डाउनलोड करो, आपका भी शायद लैग ख़त्म हो जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने वी माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वी माइंड को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना, और अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो मेरे पास डिवाइस है वो है रेडमी नोट 5 प्रो। इस डिवाइस में मैं यूज़ करके बताऊंगा GFX टूल्स, तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर लिखना GFX टूल्स और पबजी नो बैन, तो कुछ इस तरह का आपको आइकन देखने मिल जाएगा। GFX टूल्स प्रो पबजी नो फुल एड्स, और आइकन इस तरह का रहेगा, आप देख लेना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आपको ओपन कर लेना है, और सबसे पहले वह इसमें सेलेक्ट वर्जन का ऑप्शन है, सबसे पहले आपको वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, और ग्राफिक में आपको जिस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको भी वही सेलेक्ट करना है। आपको स्मूथ HD सेलेक्ट करना है, स्टाइल आप अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप सॉफ्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि सॉफ्ट सबसे अच्छा देखने में लगता है। और रिजोल्यूशन की बात करूँ तो रिजोल्यूशन में आपको 1280x720 आपको चूज़ करना है, और FPS आपको 60 FPS कर देना है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह का आपको सेटिंग करके अप्लाई कर देना और रन गेम पे क्लिक कर देने का है। तो अब देखते हैं कौन सा ग्राफिक इम्प्रूव कर दिया है, जो कि पहले ओरिजिनल ग्राफिक था जो फ़ोन रिकमेंड करता था, वो था बैलेंस ग्राफिक और फ्रेम रेट मीडियम, तो कभी कभी लैग देखने मिल जाता था। अब मैं आपको गेम प्ले करके बताऊंगा कि देखते कितना लैग देखने मिलता है और कितना लैग नहीं देखने मिलता है। तो यूज़ करते हैं GFX टूल्स और देखते हैं ये गेम स्टार्ट हो रही है हमारी। सो गाइस, वीडियो में आगे मैं आपको ग्राफिक दिखा दूंगा, आप ग्राफिक देख लेना किस ग्राफिक में गेम प्ले चल रहा है, क्योंकि मैं आगे बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको गेम प्ले का भी ऑडियो सुनाई देगा तो मैं नहीं बोल सकता। सो गाइस, आगे का वीडियो आप देख लेना अपने हिसाब से।
सो गाइस, अगर आपका गेम लैग हो जाता है सडनली अचानक, या आपको गुस्सा आने लग जाता है, मोबाइल फेंकने फोड़ने का मन कर जाता है, तो एक बार जरूर यूज़ करके देख लेना GFX टूल्स। आप देख सकते हो मेरा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने लग गया है गेम, क्योंकि आप गेम प्ले देख सकते हो, तो बहुत ही मज़ा आ गया यार। एक बार यूज़ करके देख लेना GFX टूल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।